आप सभी का स्वागत है ईआई स्पेशल क्वेश्चन में। और आज आप लोग को बताने वाले हैं कि फ्री टैबलेट स्मार्टफोन को लेकर यूपी में जो तैयारी है बिल्कुल जोरों शोरों पे चल रही है। और यहाँ पे आप किसी भी कॉलेज में पढ़ाई करते हैं, किसी भी ईयर में होते हैं, आप लोग किसी भी स्ट्रीम से होते हैं, तो यहाँ पे सभी को टैबलेट स्मार्टफोन देने के लिए जो बातें वो कही गई हैं। और यहाँ पे जो वितरण है वो आप लोग जानते हैं कि दिसंबर के फर्स्ट वीक से जो वितरण है वो स्टार्ट की जाएगी। और जो स्टूडेंट लिस्ट है वो भी कब तक आ रही है और इस वक्त आप लोग की फ्री टैबलेट स्मार्टफोन को लेकर क्या जानकारी सामने आ रही है, इसको लेकर सारी बातें आप लोग को बताने वाले हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को वीडियो पसंद आएगी। इसके साथ ही अगर आप लोग चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी क्लिक कर दे। तो यहाँ पे देखिए जो नोटिस जारी की गई है जहाँ पे आप लोग के फ्री टैबलेट स्मार्टफोन को लेकर क्या जो तैयारी चल रही है, इस पर क्या स्थितियाँ हैं, इसी को लेकर यहाँ पे जो सारी बातें हैं वो बताई गई हैं। और ये जो नोटिस आई है वो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी की ओर से आई है, जो कि यूपी की बड़ी यूनिवर्सिटी में से एक। और यहाँ पे सिर्फ एक यूनिवर्सिटी की बात नहीं है, चाहे आप लोग किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हो तो यहाँ पे आप लोग को सारी बातें बताने वाले हैं कि क्या बातें यहाँ पे कही गई हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग को विषय देखने को मिल जाता है, जो कि उत्तर प्रदेश की युवाओं को तकनीकी सशक्तिकरण हेतु ई टैबलेट स्मार्टफोन वितरण योजना लागू किए जाने हेतु छात्रों का डाटा प्रमाणित यानी कि वेरीफाई करने के संबंध में, यानी कि अब आप लोग के ओर से जो फॉर्म भरे गए थे उसी को अब वेरीफाई करवाया जा रहा है। और यहाँ पे क्या बातें कही गई हैं वो देख लेते हैं। माननीय कुलपति जी के निर्देशानुसार महाविद्यालय के पंजीकृत छात्रों का डाटा यानी कि वेरीफाई करने हेतु संबंधित महाविद्यालय के लॉगिन में दिनांक 26/11/2021 को प्रो 11 बजे तक जो लिंक होगा वो दे दिया जाएगा। इसके साथ ही लिंक से डाटा प्रमाणित यानी कि वेरीफाई करने हेतु छात्रों का आधार नंबर, मोबाइल नंबर और नामांकन संख्या अनिवार्य रूप से पूरित करने के पश्चात प्रिंट लेकर संबंधित डाटा महाविद्यालय के नोडल अधिकारी द्वारा प्रमाणित कर सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी कुल सचिव कार्यालय में दिनांक 27/11/2021 को तकरीबन शाम यहाँ पे 4:30 बजे तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने का कष्ट करें, जिससे कि छात्र छात्राओं के संकलित डाटा उत्तर प्रदेश शासन को समय अनुसार प्रेषित किया जा सके। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जितने भी कॉलेज हैं यानी कि डीडीयू यूनिवर्सिटी से संबंधित जितने भी कॉलेज हैं और भी जितने यूनिवर्सिटी में आप लोग किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हो, किसी भी कॉलेज में संबंधित आप लोग पढ़ाई करते होंगे, तो वहाँ पे इस वक्त जो डाटा वेरीफिकेशन है वो करवाया जा रहा है, ताकि अलग अलग यूनिवर्सिटी की ओर से अपनी ओर से जो डाटा है वो शासन को भेजने हैं। और जल्द से जल्द सभी यूनिवर्सिटी जितने भी से संबंधित कॉलेज हैं अपने डाटा को शासन को भेज रहे हैं, ताकि जो लिस्ट है वो तैयार हो सके, किसे टैबलेट मिलेगा, किसे स्मार्टफोन मिलेगा। इसके साथ ही आप लोग को पता ही है कि आप लोग की स्टूडेंट लिस्ट भी जारी होगी, जो कि अलग अलग यूनिवर्सिटी की ओर से कॉलेज में जो स्टूडेंट लिस्ट है वो जारी की जाएगी कि किसे टैबलेट मिल रहा है, किसे स्मार्टफोन मिल रहा है। और आप लोग को SMS के माध्यम से भी पता चल जाएगा कि आप लोग को टैबलेट मिला है या फिर स्मार्टफोन मिला है। तो ये सारी बातें तो आप लोग को पता ही है। इसके साथ ही जो वितरण होगा वो भी दिसंबर के फर्स्ट वीक से ही करना है। तो यहाँ पे अब इन सबको लेकर पूरी जो तैयारी है वो तेज कर दी गई है। यहाँ पे जल्द से जल्द जो डाटा है वो वेरीफिकेशन के लिए करवाए जा रहे हैं, और ताकि जो शासन को जो डाटा है वो भेज दिया जाए। तो यहाँ पे जो लिंक है वो एक्टिवेट कर दी गई है। जितने भी आप लोग डीडी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते होंगे, इससे संबंधित आप लोग किसी भी कॉलेज में होंगे, तो यहाँ पे जो डाटा होंगे वो 27 नंबर तक यूनिवर्सिटी में जमा करने हैं, मतलब आप लोग की कॉलेज की ओर से किया जाएगा। उसमें आप लोग को कुछ भी नहीं करना है, आप लोग को बस फॉर्म जमा करना था और आप लोग बाकी के जो काम होंगे वो आप लोग के कॉलेज की ओर से करवाए जाएंगे। जो लिंक थे वो भी ऑफिशियल वेबसाइट पर एक्टिवेट किए गए थे, तो आप लोग के जो फॉर्म है जो बेसिक डिटेल थे वो ले लिए गए। बाकी आप लोग अलग अलग यूनिवर्सिटी में जो पढ़ाई करते हैं, आप लोग से जो भी फॉर्म लिया हो गया होगा, आप लोग से डॉक फॉर्म के माध्यम से जो भी जिस तरह से भी आप लोगों से जो बेसिक डिटेल लिए गए होंगे, जिससे कि आगे की जो डाटा है वो वेरीफाई करके आप लोग के लिए फ्री टैबलेट और स्मार्टफोन मिल सके, इन सभी को लेकर पूरी जो अब तैयारी है वो जोरों शोरों पर चल रही है। इसको लेकर आगे और जो जानकारी आएगी वो आप लोग को टाइम टू टाइम देते रहेंगे। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये जानकारी पसंद आई होगी। इसके साथ ही आप लोग अपने जो भी टैबलेट से संबंधित, आप लोग एग्जाम से संबंधित जो भी सवाल होते हैं तो आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।